आप नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। सिरसा में आप नेताओं की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। खट्टर सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सीएम खट्टर आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद में महिलाओं का अपमान करते हैं। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं, फिर भी 3 लाख करोड़ का कर्ज कैसे। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों। 30,000 मिड डे मील वर्कर्स को 5 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला। चार्जशीट फाइल होने के बावजूद मंत्री संदीप सिंह को पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये कैसी तानाशाही है कि जिस भी शहर में आप जाएंगे, जहां पर भी आपका कोई भी कार्यक्रम होगा, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे आप? क्या वहां पर कोई भी आम इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता? सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पहुंचने से पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ही गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या वजह है मुख्यमंत्री जी, क्यों आम आदमी के सवालों से डरते हैं आप? क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपको डर है और किस बात का डर है? सिरसा में जब आप पिछली बार गए थे तो आपने जो घोषणाएं की थी, हम उन्हीं के बारे में सवाल करना चाहते हैं। वो घोषणाएं अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई, पूरी क्यों नहीं हुई? सिरसा में जब आप पिछली बार आए तो आपने आम लोगों का, महिलाओं का जिस तरीके से जनसंवाद में अपमान किया था, हम उसको लेकर प्रश्न उठाना चाहते हैं। आपने उन प्रश्नों का जवाब देने की बजाय अपनी पुलिस को आगे भेजना बेहतर समझा, और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की आवाज पुलिस के जरिए आप दबा सकते हैं। यह आपकी गलत फहमी है खट्टर साहब। हम अपने सवाल पूछते रहेंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे कि कुछ भी फ्री नहीं देते आप, हरियाणा के अंदर कोई सुविधा फ्री नहीं देते, उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे हो गया हरियाणा के ऊपर। हम सवाल पूछेंगे आपसे कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप अपने मंत्री को पद से हटाने को तैयार क्यों नहीं है, मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं करते संदीप सिंह को। हम आपसे सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बन गया है हरियाणा देश के अंदर। हम आपसे सवाल पूछेंगे कि हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी कैसे हो गई कि मिड डे मील वर्कर्स जो कि 30,000 हैं पूरे प्रदेश में, उनको 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम आपसे ये सारे सवाल पूछते रहेंगे। आपका मन करे हमें गिरफ्तार कीजिए, आपका मन करे हम पर लाठियां चलवाइए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके लाठी डंडों, गिरफ्तारी या पुलिस से नहीं डरते। हम सारे वाजिब सवाल आपसे पूछते रहेंगे, आपके हर जनसंवाद में पूछेंगे, आप जिस जिस शहर में जाएंगे उस हर जगह पर पूछेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।